आज अध्याय चार संस्कृति तथा समाजीकरण की तृतीय वार्ता में आइए अब पाठ में आई शब्दावली तथा संकल्पनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक विकासवाद क्या होता है? सांस्कृतिक विकास संस्कृति का एक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि प्राकृतिक प्रजातियों की तरह संस्कृति विविधता प्राकृतिक चयन के माध्यम से भी विकसित होती है। दूसरी परिभाषा है सामंती व्यवस्था क्या है। सामंती यूरोप में एक प्रणाली थी और यह व्यवसायों के अनुसार एक पदक्रम था। इसमें तीन वर्ग कुलीन, पादरी और तीसरा वर्ग था अंतिम मुख्य रूप से पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग। प्रत्येक वर्ग ने अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुना, परंतु किसानों और मजदूरों के पास वोट का अधिकार नहीं था। तीसरी परिभाषा होती है परंपरा क्या है। इसमें वे सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं शामिल हैं जो लिखी गई हैं और यह शिक्षित समाज के अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती हैं। चौथी परिभाषा है लघु परंपरा क्या होती है। इसमें वे सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं शामिल हैं जो मौखिक हैं और गांव के स्तर पर ही केवल संचालित होती हैं। पांचवी परिभाषा है स्वयं छवि क्या होती है। स्वयं छवि दूसरों की आंखों में प्रतिबिंबित व्यक्ति की एक छवि होती है। छठी परिभाषा है सामाजिक भूमिकाएं क्या होती हैं। सामाजिक भूमिकाएं किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या स्थिति से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। सातवीं परिभाषा है समाजीकरण से क्या अभिप्राय है। समाजीकरण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के सदस्य बनना सीखते हैं। और अंत में उपसंस्कृति क्या होती है। उपसंस्कृति एक बड़ी संस्कृति के भीतर लोगों के एक समूह को चिन्हित करती है। इसमें लोग खुद को अलग करने के लिए बड़ी संस्कृति के प्रतीकों, मूल्यों और मान्यताओं को उधार लेते हैं और अक्सर विकृत, अतिरंजित या उल्टा करते हैं। इसके साथ ही अध्याय चार के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा का यही समापन होता है तथा इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगली चर्चा में हम अगले पाठ पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।